प्यारे गुरु शास्त्र संगत जी, प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं परोपकार के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक बड़े से राज में एक राजा हुआ करते थे और उनके संग मित्र राज जो दूसरे राज में रहते थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था इस राजा को और पत्र के साथ एक दवा भेजी थी। जो दवा के साथ में उन्हें जो पत्र था तो उसमें लिखा था कि आप इस दवा को खाली दो आंखों में यूज कर सकते हैं, कोई भी अंधा व्यक्ति है तो उसकी आंखों का इलाज इस दवा से कर सकते हैं। तो यह दवा लेके राजा को जब मिलती है तो राजा जी यह दवा लेके, जबकि राजा के दरबार में बहुत से ऐसे लोग थे जो अंधेपन के शिकार थे, अब यह दवा राजा जी ने चाहते तो उन लोग को देख के उनका अंधापन दूर कर सकते थे, लेकिन राजा जी यह दवा लेके अपने एक मंत्री के पास गए जो अंधा हुआ था, जो अंधेपन के वजह से अपने घर पे ही रहता था। तो यह दवा राजा जी उसके पास लेके गए और उन्होंने दिया कि यह दवा तुम यूज करो, अपने आंख में लगा लो जिससे आपकी आंख सही हो जाएगी। तो यह दवा जैसे ही वह मंत्री पाता है, वह दवा अपनी एक आंख में लगाता है और एक दवा जो रहती है उससे अपनी जबान पे रख देता है। तो राजा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़े गुस्से में थे, पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, आपने अपनी एक ही आंख क्यों ठीक की, बाकी दूसरी आंख क्यों नहीं। यह मंत्री जो अपने अंधेपन के वजह से, इसकी उम्र कम थी, यह राज दरबार में बहुत सा मदद करता था और इसकी मंत्रीपद से राजा भी बहुत खुश हुआ रहते थे, लेकिन इसने उस पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि यह अंधा हो चुका था। तो वह राजा जी को उत्तर देता है कि हे राजन, मैं एक दवा तो यूज करके अपनी आंख ठीक कर लिया एक, लेकिन एक दवा जो मैंने अपनी जबान पे रखी है, इससे मैं इस दवा में क्या क्या मिला है, मैं इस स्वाद के हिसाब से मैं इसे पहचान लूंगा, तो मैं इसका यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दूंगा, अपने ही राज्य में इसका उत्पादन होगा, जो हमारे राज्य में लोग हैं, जो अंधे व्यक्ति लोग हैं, उनका इलाज इस दवा से हम कर सकते हैं। इसलिए मैं एक दवा जो थी मैं अपने आँख में लगाई और एक जो दवा थी वो मैंने अपने जबान पे रख के उसका टेस्ट लेके उसका प्रोडक्शन उसके बनाने के रूप में मैंने उसे यूज किया। तो जब यह बात राजा जी को पता चलती है तो राजा जी बहुत ही प्रसन्न होते अपने उस मंत्री पे। तो जानते हैं कि कभी भी व्यक्ति जो दूसरों की भलाई चाहता है वह कैसे मदद कर सकता है, जबकि यह व्यक्ति चाहता तो अपनी दोनों आंख ठीक करके राजा का हेल्प कर सकता था, मदद कर सकता था, लेकिन उसने वह दवा बनाने के बारे में सोची। उसने सोचा कि मैं ठीक हो सकता हूं तो यह दवा अगर हम बना सकते हैं तो इससे बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं, इससे राज्य में खुशहाली आ सकती है। सुशासंगत जी, यह था वह उपकार कि हम कैसे सोचते हैं किसके बारे में। तो अगर यह आप छोटा सा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और प्यार से कहना धन निरंकार जी।